सो हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा था दैट इज एंटीजेंस, ठीक है। जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें हम डील कर रहे हैं किसके साथ में, एंटीजेंस के साथ में, ठीक। तो एंटीजन में सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन, जैसे कि आप नाम ही देखो यहाँ पे एंटीजन, एंटीजन की अगर आप नाम को ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है ना, दिस इज एंटी एंटी और जेन में ये ब्रेक होता है, ठीक है। तो एंटी हो गया यहाँ पे, इट डिनोट्स द एंटीबॉडी, और जेन अगर देखे तो ये डिनोट करता है यहाँ पे जनरेटर, ठीक है ना, यानी इट इज एन एंटीबॉडी जनरेटर, ठीक है। तो सिंपली वी कैन से दैट जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एंटीबॉडी जनरेटर, ठीक है ना। जब भी ये एंटीजन बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, तो इट विल, मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है ना, दिस इज एन एंटीजन। सो व्हेन एवर एन एंटीजन दैट एंटर्स द बॉडी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, हमेशा दैट विल प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी विद इन द बॉडी, ठीक है। दिस इज एन एंटीजन, ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जब ये बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, दिस इज द बॉडी, ठीक है, व्हेन इट एंटर्स, ठीक है ना, एंटर करने के बाद हमेशा एंटीजन के बॉडी में एंटर करने से क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस एन इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है ना, इम्यून रेस्पॉन्स, और इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या होगा, एक एंटीबॉडी की क्या होगी, प्रोटेक्शन होगी, ठीक है ना। दिस इज एन एंटीबॉडी दैट इज प्रोड्यूस, या अगर इसको बी सेल प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, बी सेल जब इसको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है, तो दिस बी सेल दिस प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन, इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करता है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। सो एंटीजन इज व्हाट, इट्स ए मॉलिक्यूल। तो हम क्या कहेंगे, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, तो ये बॉडी में एंटर करने के बाद ये एंटीजन क्या है, हमेशा बॉडी में क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, यानी या एंटीबॉडी, ए मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी, ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, दिस इज द एंटीबॉडी, ये हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। सो एंटीजन वी कैन से सिंपली इट इज एन एंटीबॉडी जनरेटर, ठीक है, इट इज एन एंटीबॉडी जनरेटर। सो एंटीबॉडी जनरेटर मीन्स व्हाट, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, एंटीजन को, हाउ वी विल डिफाइन दिस एंटीजन। सो एंटीजन, दिस एंटीजन इज व्हाट, इट इज एन एनी एजेंट, ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है ना, या कोई भी एजेंट, ठीक है, एंटीजन इज व्हाट, इट इज ए मॉलिक्यूल, ये क्या हो सकता है, ए मॉलिक्यूल दैट, वो क्या करेगा, जब बॉडी में एंटर करता है तो एक इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, दैट इवोक एन इम्यून रेस्पॉन्स, क्या प्रोड्यूस करती है, एक इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इम्यून रेस्पॉन्स कब प्रोड्यूस करती है, इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो ठीक है ना, प्रोड्यूस करती है जब बॉडी में एंटर करता है, ठीक है ना। सो दिस एंटीजन इज व्हाट, कोई भी मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल दैट इवोक एन इम्यून रेस्पॉन्स विद इन द बॉडी, ठीक है ना, किसमें, विद इन द बॉडी, हम उसको क्या कहेंगे, विद इन द बॉडी दैट इज नोन एज एन एंटीजन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एन एंटीजन। सो या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकता है एंटीजन को, ठीक है ना, इट इज एन एजेंट, ठीक है, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता है, ठीक है ना, एनी मॉलिक्यूल और एजेंट, ठीक है ना, इट इज एन एजेंट, कोई भी एजेंट हो, ठीक है ना, कोई भी मॉलिक्यूल हो जो क्या करेगा, जो जिसमें कैपेसिटी हो, ठीक है ना, किसमें, जिसमें कैपेसिटी हो, ठीक है ना, एनी एजेंट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग, किसके साथ में बाइंड करेगा, कैपेबल ऑफ बाइंडिंग, जब बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, किसके साथ में, कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टी सेल रिसेप्टर, ठीक है ना, टी सेल रिसेप्टर, टीसीआर इज व्हाट, टी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर, और हम क्या कहेंगे, और वी कैन से दैट, और टू एन एंटीबॉडी, ठीक है ना, टू
टू एन एंटीबॉडी, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, टू एन एंटीबॉडी। सो एनी एजेंट दैट इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द टी सेल रिसेप्टर और टू द एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस बाई, ये एंटीबॉडी जो वो कौन प्रोड्यूस करती है, बी सेल जो है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो वी कैन से एंटीजन इज ए मॉलिक्यूल, ठीक है ना, दैट हैज द कैपेसिटी, जिसमें क्या कैपेसिटी है, वो बाइंड करे किसके साथ में, बॉडी में एंटर करने के बाद टी सेल के रिसेप्टर में, या बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उसके साथ में बाइंड कर सके। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, यहां आप देखें, ठीक है, कि यानी टी सेल रिसेप्टर के साथ में बाइंड क्यों करेंगे और एंटीबॉडीज के बाद साथ में क्यों बाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी कोई एंटीजन, दिस इज एन एंटीजन, ये बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, दिस इज व्हाट, इट इज एन एंटीजन, ये एंटीजन जो है जब बॉडी में एंटर करता है, ठीक है ना, बॉडी में एंटर किया, मान के चलो दिस इज द बॉडी सरफेस, यहां से ये एंटर किया है बॉडी में, ठीक, तो जब भी ये बॉडी में एंटर करता है, ठीक है ना, जो प्रीडोमिनेंट रोल जो है वो कौन प्ले करता है, बी सेल एंड द टी सेल, ठीक है। तो जब भी ये बॉडी में एंटर करा, ठीक है ना, ये एंटीजन जो है इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगी, बी सेल, ठीक है ना, बी सेल जो है इस एंटीजन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना, दिस इज द बी सेल रिसेप्टर, बी सेल, ठीक है। जब इस बी सेल ने इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, दिस बी सेल ने रिसेप्टर के थ्रू इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, तो जब इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया तो एज पर द प्रोसीजर ये क्या करेगा, बी सेल जो है इट विल प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट, है ना, पी फॉर प्रोलिफरेशन एंड डी फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये बी सेल जो है पहले क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट किस में हो जाएंगे, अब ये जो बी सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा किस में, दो सेल्स में, दैट इज वन इज द प्लाज्मा सेल, पी फॉर प्लाज्मा सेल, एंड अनदर इज द मेमोरी सेल, जो ये क्या है बी सेल का, इट इज द प्रोसीजर ऑफ बी सेल की बी सेल जो है वो कैसे डिफरेंशिएट होता है, ठीक है ना। एंड फाइनली ये जो बी सेल है ये क्या करता है, ये पी सेल, सॉरी बी सेल नहीं, पी सेल इज व्हाट, प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इट इज टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, ये जो है इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करेंगे, ठीक है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, हमने क्या बताया, या एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करे या टी सेल रिसेप्टर के साथ में बाइंड करे। तो जब ये एंटीबॉडीज बना, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी जाके इस एंटीजन के साथ में क्या करेगा, इस एंटीजन को डिग्रेड करेंगे या इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सो हमने इसीलिए कहा एंटीजन इज व्हाट, इट इज ए मॉलिक्यूल, ये क्या है, इट इज ए मॉलिक्यूल जो क्या करता है, दैट बाइंड किसके साथ में, एजेंट दैट इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द टी सेल रिसेप्टर और एंटीबॉडी, ठीक है ना, टू द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। सो ये एंटीबॉडी जो यहां पे प्रोड्यूस हो गई, ठीक है ना, ये ब्लू कलर की जो एंटीबॉडी जो है, तो फाइनली एंटीजन वो होता है जिसमें कैपेसिटी हो किसके साथ में, इस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करे, ठीक है। तो बी सेल जब इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी तो इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, तो इसमें ये कैपेसिटी होती कि ये इस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड कर जाता है, ठीक है, और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ में, यहां पे ये जो एंटीजन है, ठीक है, इसके साथ में ये बाइंड करेंगे, ठीक है ना, इसकी जो एपिटोप यहां पे जो भी प्रेजेंट होगा उसके साथ में ये एंटीबॉडी जो है वो बाइंड करके ये इस एंटीजन को क्या कर देंगे, ये इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वन प्रोसीजर, ठीक। नाउ सेकंड, आप जो टी सेल रिसेप्टर का बताया, सेकंडली अगर जो टी सेल रिसेप्टर का बताएं, ठीक है ना, सेकंडली जो टी सेल में क्या होता है, सेकंडली अगर आप टी सेल रिसेप्टर को देखें, ठीक है,
जब कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है ना, वाया टिश्यूज, ठीक है ना, जब वो टिश्यूज में चले जाते हैं, ठीक है, तो टिश्यूज में हमारे क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दिस विल बी द एंटीबॉडी जो बॉडी में एंटर किया, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज व्हाट द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दैट इज, या हम बोलते हैं वो मैक्रोफेज, ठीक है ना, जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक। सो व्हाट, ये मैक्रोफेज जो है वो क्या करता है, ये मैक्रोफेज जो है इस एंटीजन को क्या करेगा, इस एंटीजन को ये मैक्रोफेज जो है एनगल्फ करेंगे, ठीक है ना, या फेगोसाइटोसिस करेंगे, ठीक है। तो एनगल्फ करने के बाद ऐसे ये जो हमारा मैक्रोफेज है, ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे, ठीक है ना, इस एंटीजन को क्या किया, एनगल्फ किया, ठीक है। एनगल्फ करने के बाद जब ये बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है, यहां पे हम बनाएंगे, जब ये बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक, ये जो मैक्रोफेज है इसका क्या काम है, फिर जब ये बॉडी के अंदर पहुंच गया, ठीक है, मैं ऐसे यहां पे बनाता हूं, ठीक है ना, ये अब बॉडी के फेगोसाइटोसिस किया और ये बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। ये बॉडी के अंदर चले जाने के बाद इसकी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, इस एंटीजन की क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो ये जो एंटीजन है इसकी क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, ठीक है। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, उनमें एक क्या प्रेजेंट होता है, एमएससी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इन एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू ये क्या करेंगे, इस एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, इस एंटीजन को क्या किया, प्रेजेंट किया। नाउ ये चीज मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है, नाउ अब यहां पे जब हम देखते हैं ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, क्या है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, जो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल है यहां पे मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू इस एंटीजन को प्रेजेंट किया, ठीक है, ये एंटीजन्स यहां पर प्रेजेंट थे, इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू इसको सरफेस पे प्रेजेंट किया, ठीक है। तो हमें पता है कि जो टी सेल होता है हमेशा उन एंटीजन्स को क्या करते हैं, उन एंटीजन्स को ये रिसीव करता है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, वो एंटीजन्स जो प्रेजेंट किया हो, ठीक है, जो ये क्या है, टीसीआर, टी सेल के जो रिसेप्टर है वो है, ठीक है, हमेशा उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है विच आर प्रेजेंटेड बाय एन एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एमएससी मॉलिक्यूल जब किसी एंटीजन को एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू प्रेजेंट किया हुआ होता है, तो उस टाइम पे जो टी सेल रिसेप्टर है वो उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। सो इस एंटीजन में कैपेसिटी रही किसके साथ में, टी सी आर के साथ में, यानी टी सेल के रिसेप्टर के साथ में बाइंड करने के, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा कि जो एंटीजन होता है उसमें कैपेसिटी होता है किसके साथ में, फर्स्टली एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करने की, ठीक है, एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करने की, और सेकंडली टी सेल रिसेप्टर के साथ में भी ये क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, हाउ एन एंटीजन बाइंड्स टू द एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस बाय द बी सेल, जो बी सेल प्रोड्यूस करती है उस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, और टी सेल जो है उनके रिसेप्टर के साथ में भी बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गया ना। नाउ जब हम देखते हैं, सो एक मिनट, डस्टर लेके आया मैं।
सो अब हमें इसके बाद देखना है, क्या देखना है, व्हाट इज इन दो टॉप, इसमें दो टर्म्स आता है, दैट इज इम्यूनोजेन और सेकंड क्या है, दैट इज एंटीजन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बेसिक डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इन इम्यूनोजेन। ठीक है, इम्यूनोजेन सबसे पहले हम इसको देखेंगे, व्हाट इज इन इम्यूनोजेन। तो इम्यूनोजेन जो है वो क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जो क्या करता है, दैट कैन कॉज इम्यून रिस्पॉन्स, क्या करेगा, जिसमें कैपेसिटी है, ठीक है ना, क्या करने की, दैट कैन कॉज इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है या कॉज कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, जो इम्यूनोजन होगा, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद जो है, जो प्रोटेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है ना, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद जो प्रोटेक्ट फॉर्म होगा, बट द प्रोटेक्ट जो फॉर्म होगा, ठीक है ना, किसका, इम्यून रिस्पॉन्स का, ठीक है, जो प्रोटेक्ट होगी वो क्या होगा, ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स वो क्या होगा, दैट विल नॉट बाइंड, वो किसके साथ में बाइंड नहीं करेगा, दैट विल नॉट बाइंड टू द एंटीजेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, बट द प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स विल नॉट बाइंड टू द एंटीजेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जो एंटीजन, ठीक है ना, एंटीजेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जो एंटीजन मॉलिक्यूल है उसके साथ में प्रोडक्ट जो है वो बाइंड नहीं करेगा, दिस इज व्हाट द इम्यूनोजिन, ठीक है। इम्यूनोजिन क्या हुआ, सो इट इज व्हाट, इट्स कोई भी मॉलिक्यूल, इट इज ए मॉलिक्यूल जो क्या कर रहा है, ठीक है, दैट कैन कॉज इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब ये जो है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, इम्यूनोजिन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक, बट जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने के बाद जो प्रोटेक्ट फॉर्म होगी उससे, ठीक है ना, जैसे कोई एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है, या कोई भी और मॉलिक्यूल बने, जैसे या कोई सेल प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, मेनली अगर हम बी सेल में देखें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, उसके साथ में ये जो एंटीजन है या ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने के बाद एंटीजन के साथ में बाइंड नहीं करेगा, विल नॉट बाइंड टू द एंटीजन, ठीक है, ये हो गया इम्यूनोजन। अब देखते हैं व्हाट इज एन एंटीजन, ठीक है, अब हमारे पास सेकंड वर्ड है, सेकंड जो टर्म है, दैट इज एंटीजन, ठीक है ना। सो एंटीजन जो है ना वो क्या है, ANTIGEN, एंटीजन। सो एंटीजन जो है वो क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जो इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करेगा, ठीक है ना, कोई भी मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, इसमें भी इम्यूनोजन में भी प्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा इम्यून रिस्पॉन्स का, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा इम्यून रिस्पॉन्स का, वो भी इस एंटीजेनिक मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करेगी, ठीक है ना, बट यहां पे क्या होगा, एंड द प्रोडक्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस के बाद क्या होगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जो है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स विल बाइंड टू द एंटीजेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, बाइंड करेंगे किसके साथ में, बाइंड विद द एंटीजेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, एंटीजेनिक मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज एन एंटीजन और इम्यूनोजन में क्या फर्क है, फर्क क्या है, देखो दोनों मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी, यहां पे भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये यहां पे भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये जो इम्यूनोजन है या एंटीजन है, यहां पे जो इम्यूनोजन है
या एंटीजन है, ठीक है, या एंटीजन दोनों बॉडी में एंटर करने के बाद ये इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद जो उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे बी सेल है, मान के चलो क्या है, बी सेल ने यहाँ पे एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस की है, ठीक है, यहाँ पे भी बी सेल ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है, ठीक है। इम्यूनोजन जो है वो बाइंड करने के बाद, ठीक है ना, मॉलिक्यूल दैट कॉज इम्यून रेस्पॉन्स बाय द प्रोडक्ट, ये हुआ इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या करेगा, विल नॉट बाइंड टू द एंटीजेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन ये इसके साथ में बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, एंटीजन के साथ में ये बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना है। ये होता है इम्यूनोजन, और एंटीजन क्या होता है, जो ये एंटीजन है कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो प्रोड्यूस करे एक इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, इम्यून रेस्पॉन्स यहां पे प्रोड्यूस हो गया बॉडी में और एंटीबॉडी फॉर्म हुआ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो विल बाइंड विद द एंटीजेनिक मॉलिक्यूल। और यहां पे एंटीजन की केस में जो प्रोडक्ट है इम्यून रेस्पॉन्स का वो इसके साथ में क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है, यहां पे बाइंड नहीं करेगा, किस केस में, इम्यूनोजन की केस में, बट एंटीजन की केस में जो ये एंटीबॉडीज इम्यून रेस्पॉन्स का जो प्रोडक्ट है वो एंटीजन के साथ में, ये जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ में बाइंड करेगी, ठीक है, बाइंड करने के बाद उसको डिग्रेड करेगी, ठीक है। ये तो ये हो गया इम्यूनोजन है एंटीजन, ठीक है ना। देखो यहां पे मैं एक आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूं, ठीक है ना, डायग्रामेटिकली जब तक समझाएंगे नहीं तब तक शायद समझ में भी नहीं आए। सो यहां देखिए, हियर इज एन एंटीजन, ठीक है, ये मान के चलो एक्स, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया किसमें, एक माउस में, ठीक है ना, दिस इज ए माउस, ठीक है, माउस में हमने इसको इस, ये एक एंटीजन है एक्स, इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने देखा कि इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है ना बॉडी में, तो नो रेस्पॉन्स, ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है। या एक और एंटीजन लेंगे, मान के चलो वाई, ये माउस के अंदर क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस किया हमने, ठीक है ना, दिस इज द माउस, जब ये एंटीजन, ठीक है ना, इसको मैं एंटीजन बनाता हूं, ठीक है ना, ये हमारा एंटीजन वाई है, ठीक है, ये जब माउस में हमने इंट्रोड्यूस किया तो इसमें क्या हो रहा है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, यहां पे देखिए ये क्या है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, एंटीबॉडी सिर्फ यहां पे क्या हो रहा है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना, बट यहां पे कोई बाइंडिंग वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और एक केस है यहां पे देखो एक्स, हम एक और एंटीजन लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, दीज आर द एंटीजन, एक्स एंटीजन, वाई एंटीजन एंड जेड एंटीजन। अब हमने इस जेड एंटीजन को किसी माउस में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, सॉरी, जेड एंटीजन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी माउस में, ये रहा आपके माउस में, हमने एक और एंटीजन, ठीक है ना, जेड को इंट्रोड्यूस किया, ठीक। सो जब हमने इस एंटीजन को इस माउस में प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, तो यहां पे एक केस ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, ये एंटीजन को प्रोड्यूस किया तो यहां पे इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होकर एंटीबॉडी फॉर्म हुआ है, यहां पे भी इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ठीक। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो एंटीबॉडी है वो इस एंटीजन के साथ में बाइंड कर रहा है, ठीक है ना, एंटीजन के साथ में क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, ठीक है, यहां पे एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ में बाइंड कर रहा है, लेकिन यहां पे कोई वैसा केस नहीं है, ठीक है ना, यहां पे ये एंटीबॉडी ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है वो इस ब्लैक कलर एंटीजन के साथ में बाइंड हो रहा है, ठीक है, यहां, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्लियर हो जाएगा, जब ये वाई एंटीजन हमने इस माउस में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो यहां पे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रही है, यहां पे भी प्रोड्यूस हो रही है इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, बट यहां पे जो प्रोडक्ट है इम्यून रेस्पॉन्स का, दैट इज जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई है,
वो इस एंटीजन से बाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये इस एंटीजन से बाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है ना। यहां पे भी दोनों में इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो दोनों में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, इम्यून रेस्पॉन्स तो दोनों में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहां पे भी इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और इसमें भी इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। बट इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होने के बाद यहां पे ये जो इनकी प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो इसके साथ में बाइंड नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देंगे, इम्यूनोजेनिसिटी। क्या कहेंगे, इम्यूनोजेनिसिटी, इसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनोजेनिसिटी। और इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, इम्यूनोजेन, इसको हम क्या नाम देंगे, इम्यूनोजेन, ठीक है, इम्यूनोजेन, ठीक। और जब हमने ये जेड मॉलिक्यूल यहां पे इंट्रोड्यूस किया, यहां पे भी इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये एंटीबॉडी फॉर्म हो रहा है, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो एंटीबॉडी फॉर्म हो रहा है यहां पे वो क्या कर रहा है, इम्यून रेस्पॉन्स जो फॉर्म हो रहा है वो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये इस एंटीजन के साथ में बाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एंटीजेनिसिटी। क्या कहेंगे, एंटीजेनिसिटी, ठीक है ना। और एस जो ये जो मॉलिक्यूल है जिसने ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस की, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देंगे, एंटीजेंस, ठीक है ना, इसको हम क्या नाम देंगे, एंटीजेन। और इसको हमने क्या नाम दिया, इम्यूनोजेन, ठीक है ना। तो यही होता है, एक एंटीजेन में यही प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एंटीजेन में यही चीज जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ ठीक, सो इन दिस एंटीजेन इसमें क्या है, तो इस एंटीजन में दो प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीजन में क्या है, दो प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट है, जो मैंने अभी समझाया, ठीक है ना। एंटीजन में क्या होता है, दो प्रॉपर्टी जो है, टू प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट, और वो जो प्रॉपर्टी है वही, वो जो प्रॉपर्टी है वो यही है, एक है इम्यूनोजेनिसिटी, दूसरा हुआ क्या, एंटीजेनिसिटी, सेकेंड इज वॉट, द एंटीजेनिसिटी, ठीक है, एंटीजेनिसिटी, ठीक है ना। तो जो टू प्रॉपर्टीज दैट इज प्रेजेंट इन एन एंटीजन, फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज द इम्यूनोजेनिसिटी एंड सेकंड इज व्हाट, द एंटीजेनिसिटी। सो इम्यूनोजेनिसिटी इज व्हाट, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एंटीजन, ठीक है ना, इंड्यूसिंग, फॉर इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। इम्यूनोजेनिसिटी में क्या है, इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं, इट इज द, इसको हम बता सकते हैं, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज व्हाट द इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी एंटीजन में होता है, और सेकंड इज व्हाट, एंटीजेनिसिटी। तो एंटीजेनिसिटी क्या हुआ, एंटीजेनिसिटी जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू बाइंड विद द एंटीबॉडी और टीसीएल और टी सेल रिसेप्टर, ठीक है ना। इट इज द एबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या करने की, टू बाइंड विद द एंटीबॉडी, ठीक है ना, या वो एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करेगा, टू बाइंड विद एन एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर, ठीक है ना, और किसके साथ में बाइंड करेगा, या टी सेल रिसेप्टर में। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होगी एंटीजेंस में उसको हम एंटीजेनिसिटी कहेंगे, ठीक है। और किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इम्यून रेस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होगी, तो इम्यूनोजेनिसिटी कहेंगे, ठीक है। दीज आर द टू प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन एन एंटीजन। सो वी कैन से दैट इम्यूनोजन जो है वो क्या होता है,
इम्यूनोजन जो है वो कोई भी एजेंट हो सकता है जो सिर्फ क्या करे, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। इम्यूनोजन क्या है, वो कोई भी मॉलिक्यूल जो एंटर करने के बाद, ठीक है ना। तो यही क्या डिफरेंस है एंटीजन और इम्यूनोजन में। एंटीजन जो है, फाइनली ये चीज आपको समझना है कि इम्यूनोजन जो होता है वो क्या होता है, कोई भी एजेंट होगा जो इंड्यूस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना, जो इंड्यूस करेगा सिंपली इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनोजन। और एंटीजन होगा, और एंटीजन क्या हुआ, एंटीजन जो हुआ कोई भी मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ठीक है, जो क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद इट हैज द कैपेसिटी टू बाइंड विद द एंटीबॉडी, ठीक है ना, या टीसीएल रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है ना, जो एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करेगा और टीसीएल रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट एन एंटीजन, ठीक है ना। तो एंटीजन सिंपली वी कैन से इट्स अ फॉरेन पार्टिकल जो एंटर बॉडी में एंटर करने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। नाउ अब इसमें एक सिलेबस में जो हमारे एक टॉपिक है, दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीजन, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीजन, द बेसिक सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीजन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीजन, ये चीज है, ठीक है। तो कल मैंने ये चीज आप लोगों को बता भी दिया है, जो पिछला हमारा टॉपिक, पिछला जो लेक्चर था उसमें भी, ठीक है ना। अब उसमें हम क्या बताया है, उसमें उसमें ये चीज मैंने समझा दिया है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीजन, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन में नाउ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन फॉर इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है ना, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स और द प्रॉपर्टीज फॉर इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। तो जब हम ये चीज देखते हैं इसमें, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन किसके लिए, इम्यूनोजेनिसिटी के लिए, यानी पिछले लेक्चर में मैंने जो बताया था रिक्वायरमेंट्स फॉर इम्यूनोजेनिसिटी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, दैट इज वो मॉलिक्यूल जो है क्या होना चाहिए, फॉरेनेस जो है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी टू बी एन इम्यूनोजेन या इम्यूनोजेनिसिटी के लिए, ठीक है। अभी जो मैंने बताया आप लोगों को सॉरी इम्यूनोजेन और एंटीजेंस, ठीक है ना, इम्यूनोजेंस वो हुआ जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, और एंटीजन में क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो एंटीजन के साथ में बाइंड करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है, ठीक है, जो इम्यूनोजेंस और एंटीजेंस में क्या फर्क है ना, ज्यादा फर्क नहीं है, आपको ये याद रखना है कि जो इम्यूनोजेंस है, ऑल द इम्यूनोजेंस आर दे आर एंटीजेंस, ठीक है ना। जो कोई भी मॉलिक्यूल जो इम्यूनोजन है, ठीक है, जो इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है वो क्या होता है, दे आर एंटीजन, ठीक है ना, ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन, ठीक है, बट ऑल द एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, ऑल द एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, ठीक है, आर नॉट इम्यूनोजेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑल द एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, क्लियर है। इम्यूनोजेन वो मॉलिक्यूल हुआ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, ठीक, लेकिन एंटीजन वो होता है जिसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस का इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, कोई भी एंटीबॉडी जो है वो इसके साथ में एंटीजन के साथ में बाइंड करता है, ठीक है। उसके लिए आपको याद रखना है इसमें फर्क क्या है, ज्यादा फर्क नहीं, जो इम्यूनोजेंस होता है वो क्या होता है, एंटीजेंस होता है, ठीक है ना, सारे इम्यूनोजेंस जो है, ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन, बट ऑल द एंटीजेंस, ठीक है, वो हमेशा दे आर नॉट इम्यूनोजेंस, ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है एंटीजन की। तो उसमें सबसे पहली चीज आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन फॉर इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। तो उसमें हमारी जो
फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या आता है, वो आता है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आता है जब हम इसमें देखते हैं वो है फॉरेननेस, ठीक है ना। नाउ क्या होना चाहिए, अब जब भी इम्यूनिजन के लिए, ठीक है ना, फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनिजन कोई भी मॉलिक्यूल जो है ना उस वो क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव फॉर्मिंग एन इफेक्टिव इम्यूनोजन, ठीक है। एक इफेक्टिव इम्यूनिजन के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल जो है वो एंटीजेनिक मॉलिक्यूल जो है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी फॉरेन, ठीक है ना, वो फॉरेन मॉलिक्यूल होनी चाहिए, ठीक है ना, फॉरेन इफेक्टिव इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है ना, इफेक्टिव इम्यूनोजेनिसिटी। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी इम्यूनोजेन अगर उसको एक इफेक्टिव इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी दिखानी है तो इट शुड बी ए फॉरेन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इट शुड नॉट बी इट्स ओन मॉलिक्यूल, फॉरेन मॉलिक्यूल टू द होस्ट, किसके लिए, टू द होस्ट, ठीक है ना, किसी भी होस्ट में जिसमें एंटीबॉडी, ठीक है ना, आपको इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी, आपको इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करनी है, तो वो जो आप एंटीजन, ठीक है ना, या इम्यूनोजन जो आप इंट्रोड्यूस करते हो वो क्या होना चाहिए, फॉरेन होना चाहिए, इट शुड बी अ फॉरेन मॉलिक्यूल टू द होस्ट। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है इट हैज अ प्रॉपर्टी, क्या इट हैज अ प्रॉपर्टी टू डिस्क्रिमिनेट, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, इट हैज अ प्रॉपर्टी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है ना, सेल्फ और नॉन सेल्फ में ये अच्छे से क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, कौन, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आप एक सेल्फ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, अगर आप अपने किसी ही मॉलिक्यूल को, ठीक है, अपने ही मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, जब इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, किसी होस्ट में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है ना, सेल्फ के केस में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है ना। हाउएवर अगर आप नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल या कोई फॉरेन मॉलिक्यूल को आप इंट्रोड्यूस करोगे किसी होस्ट में, ठीक है, तो वहां पे एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगी और उस मॉलिक्यूल में जो इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, वो बहुत इफेक्टिव होगी, ठीक है ना। सो फॉर बींग एन इम्यूनोजेन, ठीक है ना, फॉर बींग एन या टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, उसके लिए जो मॉलिक्यूल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इट शुड बी ए फॉरेन मॉलिक्यूल टू द होस्ट, ठीक है। व्हाई, बिकॉज जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो हमेशा सेल्फ और नॉन सेल्फ को इजीली क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है ना, जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इजीली डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो फॉरेन मॉलिक्यूल जब बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक। सो हाउएवर अगर हम सेल्फ, अगर अपने ही किसी मॉलिक्यूल को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, या अपने ही किसी मॉलिक्यूल को इम्यूनोजन के तौर पे जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे जो होस्ट है वो क्या शो करेगा, टॉलरेंस जो है वो शो करेंगे, ठीक है ना, वो कोई रेस्पॉन्ड उसके अगेंस्ट में नहीं करेगा, इस मॉलिक्यूल एक्सेप्ट मॉलिक्यूल के अगेंस्ट में, ठीक है, तो वो कोई रेस्पॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, और इसीलिए फॉर बींग एन इम्यूनोजन, ठीक है ना, एक एंटीजन की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल ए फॉरेन मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो व्हाट इज, एक एंटीजन में क्या होना चाहिए या इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी के लिए, सेकंड इज व्हाट द मॉलिक्यूलर, जो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर साइज की, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर साइज की अगर हम बात करें, ठीक है ना, इनका एक मॉलिक्यूलर साइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर साइज, अगर मॉलिक्यूलर साइज क्यों, क्योंकि ऐसा देखा गया है किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर साइज इज द सेकंड प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर साइज जो है वो इसकी
सेकंड प्रॉपर्टी है फॉर इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर उसको इम्यूनोजन, अगर एंटीजन होने के लिए इसकी एक मॉलिक्यूलर साइज होना, दैट इज रियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो जब भी हम देखते हैं जितना ज्यादा, ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है ना, ग्रेटर विल बी द मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर विल बी द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, जितना ठीक है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा क्या होगा, वो ग्रेटर विल बी द इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, ग्रेटर विल बी द इम्यूनोजेनिसिटी, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा, या उतना ज्यादा ये क्या इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो शो करेंगे। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, यहां पे देख लेना कि अगर हम देखते हैं बॉडी में जो हमारे कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है लेस देन 1000 डाल्टन है, ठीक है, लाइक इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे इसमें एग्जांपल है पेंसिलिन और एस्पिरिन की, ठीक है ना, जो हम दवाई खाते हैं पेंसिलिन या एस्पिरिन की, ठीक है, तो उस उनकी जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 1000 डाल्टन होता है। तो लेस देन जब 1000 डाल्टन होता है तो क्या होता है, जब हम बॉडी में इन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं तो वहां पे कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। सो यहां पे हम कह सकते हैं दीज आर व्हाट, जो ये मॉलिक्यूल्स है लाइक पेंसिलिन एंड एस्पिरिन, जिनकी मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है ना, ठीक है ना, दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक। ठीक है, वो क्या है, नॉन इम्यूनोजेनिक, मतलब कोई इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, इनकी मॉलिक्यूलर वेट कितना है, लेस देन 1000। ठीक है, लेकिन अगर हम एक और मॉलिक्यूल को लेते हैं, ठीक है, जैसे एक और मॉलिक्यूल को लिया, ठीक है ना, लाइक इंसुलिन, ठीक है, या अगर हम इंसुलिन को लेंगे, ठीक है, या एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, जब भी हम इन दोनों को लेते हैं तो इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 1000 to 6000 किलो डाल्टन, सॉरी डाल्टन, ठीक है, 1000 to 6000 इनकी वेट होती है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, दे मे बी इम्यूनोजेनिक, ठीक है, और मे नॉट, ठीक है ना, इम्यूनोजेनिक हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक है ना, वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या लेंगे, अब लेकिन हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा मीन्स कितना ज्यादा, ज्यादा मीन्स जब अगर हम कोई और एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, यहां पे लेता हूं मैं, ठीक है ना, यहां पे एक मॉलिक्यूल है, इसकी मॉलिक्यूलर साइज जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना, मोर देन 6000 डाल्टन है। ठीक है, 6000 डाल्टन से ज्यादा है। ठीक है, लाइक जैसे किसी केस में होता है अल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, ठीक है, या जो टेटनस, ठीक है ना, टेटनस की जो टॉक्सिन हमारे बॉडी में एंटर करता है, ठीक है ना, उनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना, मोर देन 6000, और जब भी वो हमारे बॉडी में एंटर करता है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो दे बिकम्स व्हाट, इम्यूनोजेनिक। ठीक है, इम्यूनोजेनिक सो वी कैन, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना ज्यादा क्या होता है, ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ बीइंग इम्यूनोजेनिक। ठीक है, इनका लेस देन 1000 था, किसका, पेंसिलिन और एस्पिरिन का, तो दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक। अगर हम इंसुलिन का और ACTH का देखते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 1000 to 6000 डाल्टन, दे मे बी और मे नॉट बी इम्यूनोजेनिक। बट अगर इन केस ऑफ टेटनस टॉक्सिन अगर हम देखें जिनकी मॉलिक्यूलर वेट 6000 डाल्टन से ज्यादा है, तो दे आर इम्यूनोजेनिक। ठीक है, तो फॉर being an immunogenic, it is important to have a higher molecular
मास, ठीक है ना, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इम्यूनोजेनिक होगा, ठीक है ना। नाउ जो थर्ड प्रॉपर्टी है व्हाट इज दैट इज केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी में जब हम देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, या किसी भी एंटीजन को, किसी भी मॉलिक्यूल को इम्यूनोजेन या इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, दे शुड हैव अ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि, ठीक है, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अगर केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होगा तभी वो इम्यूनोजेनिक होगा, ठीक है ना, क्या होगा, तभी वो इम्यूनोजेनिक होगा। जैसे कि तो ये याद रखना, टू बी इम्यूनोजेनिक, इम्यूनोजेनिक होने के लिए एक मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, दे शुड हैव ए सर्टन डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना, कैसी कॉम्प्लेक्सिटी, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट ही नहीं बल्कि केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल है, किसकी, हमारे पास एक एग्जांपल है पॉली गामा डेल्टा, पॉली गामा डेल्टा ग्लूटामिक एसिड, GLUTA ग्लूटामिक एसिड जो है ना, जब आप इस मॉलिक्यूल को देखते हो, इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 50 किलो डाल्टन होता है, ठीक है, 50 किलो डाल्टन यानी 50,000 डाल्टन, ठीक है ना। हमने कहा 6,000 एबो 6,000 अगर इसका क्या है 50,000 किलो डाल्टन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है, हमने कहा था पहले अगर 6,000 से ज्यादा होगा तो वो इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है, लेकिन इसका 50,000 है। बट ये जो पॉलीगामा डेल्टा ग्लूटामिक एसिड है ना, ये दिस इज ये इम्यूनोजेनिक जो है प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है, ये इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्यों, इसमें इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो खत्म होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या है, दे आर नॉट सफिशिएंटली, दे आर नॉट sufficiently they are not sufficiently chemical complex, ठीक है ना, वो क्या होता है sufficiently chemical complex नहीं होता है, इसीलिए 50,000 किलो डाल्टन होने के बावजूद भी ये जो है immunogenicity की property show नहीं करता है, ठीक है। So there should be a chemical complexity for being immunogenic, ठीक है। जैसे अगर हम chemical प्रॉपर्टी की बात करें, जो हमारे पास जो हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, या वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, ठीक, या कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट या होते हैं किसके लिपिड के, ठीक है कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के, या सॉरी न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड के, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में या लिपिड के साथ में, इसीलिए हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है ना, वो हमेशा एसोसिएटेड है किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल की इसकी कॉम्प्लेक्स नेचर को देखते हैं, जैसे प्रोटीन्स को हम मेनली देखते हैं, प्रोटीन जो है हमेशा याद रखना है कि वो क्या होता है, इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, इम्यूनोजेनिक। हाउएवर अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो क्या होता है, दे आर पुअर इम्यूनोजेनिक, ठीक है ना, दे आर पुअरली इम्यूनोजेनिक, या वो क्या होते हैं, दे आर प्योर इम्यूनोजेंस, ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्योर इम्यूनोजेंस होता है। हाउ एवर, लेकिन ये चीज आपको याद रखना है,
जब ये प्योर इम्यूनोजेंस है, ठीक है, लेकिन बट दे बिकम इम्यूनोजेनिक व्हेन दे गेट्स कंजुगेटेड विद व्हाट, व्हेन दे गेट्स, ठीक है, व्हेन दे गेट्स कंजुगेटेड इम्यूनोजेनिक बन जाता है, लेकिन जब वो प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं, ठीक है ना, व्हेन दे गेट, जब वो किसके साथ मिल जाते हैं, प्रोटीन के साथ में मिल जाते हैं, तो दे बिकम्स इम्यूनोजेनिक, ठीक है। ऐसे तो होता है ये प्योर जेनिक, कौन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्रोटीन जो है वो इम्यूनोजेनिक होता है, और जो लिपिड्स होते हैं दे आर रेयरली इम्यूनोजेनिक, जो प्रोटीन होता है वो रेयरली इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है। और ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये जो होता है दे शो इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है ना, ये भी क्या शो करता है, इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो शो करता है, ठीक है ना, इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो शो करते हैं, ठीक है। सो फॉर बीइंग या टू बी एन इम्यूनोजेनिक, एक केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी का सर्टेन डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हम मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखते हैं, अगर वो प्रोटीन्स का बना है तो इम्यूनोजेनिक है, न्यूक्लिक एसिड्स का दे आर प्योरली इम्यूनोजेनिक, पुअर इम्यूनोजेंस होता है, जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है, ठीक है, वो पुअर इम्यूनोजेंस होता है, बट बिकम्स इम्यूनोजेनिक जब वो प्रोटीन के साथ में कंबाइन होता है या कंजुगेटेड विद प्रोटीन हो जाती है, तो उस टाइम पे वो इम्यूनोजेंस होता है। लिपिड जो है वो रेयरली कभी कुबार इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज वो शो करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है दे शो इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है ना, वो इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो डोजेज और इसकी भी, फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या है, जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कल उसमें मैंने आपको बताया भी है कि मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, और डोजेज पे भी ये चीज डिपेंडेंट है, ठीक है, किस पे, मोड ऑफ इम्यूनोजन डोजेज, यानी कितनी उसकी क्या है डोज है, और किस रूट से, हाँ, ये एंटीजन जो है वो एंटर करते हैं, तो इस पे भी डिपेंडेंट होता है फॉर इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें आपको अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है बेस एंटीजन की वो क्या है, ठीक है ना, वो है डोजेज, यानी जो एंटीजन है, ठीक है, इम्यूनोजन है, उसकी क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डोज प्रेजेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डोजेज जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई भी मॉलिक्यूल उसकी इनसफिशिएंट डोजेज होगी, ठीक है ना, इनसफिशिएंट अमाउंट में वो प्रेजेंट होगा, तो इनसफिशिएंट डोजेज जो है वो कभी भी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है ना। तो टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ डोजेज शुड बी प्रेजेंट, ठीक है ना, एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, एक थ्रेशहोल्ड अमाउंट ऑफ डोजेज होना चाहिए जो एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी है जो जब भी हम ये एंटीजन जो है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी वो किस पर डिपेंडेंट करता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है ना, यानी वो किस रूट से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, थीके? जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स वो भी डिपेंडेंट करता है कि वो किस रूट से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लास्ट इज व्हाट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब डोजेज में हमने कहा कि एक सेलेक्टेड अमाउंट ऑफ एक थ्रेशहोल्ड अमाउंट ऑफ डोजेज होना चाहिए इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। जब हम किसकी बात करते हैं, रूट की बात करते हैं, ठीक है ना, एक एंटीजन को बॉडी में एंटर करने के लिए बहुत सारे रूट है, ठीक है ना, सबसे पहले जैसे इंट्रावेनस, ठीक है ना, कौन कौन से रूट है, एंट्रावेनस है, यानी वेन के थ्रू
या सेकंड इज वॉट इंट्राडर्मल, ठीक है ना, स्किन के थ्रू, ठीक है, या किसके थ्रू हो सकता है, सबकुटेनियस भी हो सकता है, ठीक है ना, इंट्रामस्क्यूलर भी हो सकता है, ठीक है, इंट्रामस्क्यूलर हो सकता है मसल के थ्रू, या क्या हो सकता है, सबकुटेनियस, सबकुटेनियस हो गया बीनीथ द स्किन, इंट्रावेनस हो गया वेन के थ्रू, इंट्राडर्मल हो गया स्किन के थ्रू, ठीक है, इंट्रामस्क्यूलर हो गया मसल के थ्रू, सबकुटेनियस हो गया बीनीथ द स्किन, ठीक है ना, जब भी बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे से जब ये एंटीजन जो है वो एंटर करेंगे, ठीक है, तो इन इन वेन से जब भी एंटर करेगा, इन इन रूट से सॉरी, तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन हम जब भी देखते हैं कि किस रूट से सबसे ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जो है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द रूट, वो कौन से रूट है, वो है एंटीजन जब कहां से एंटर करते हैं, सबकुटेनियसली, ठीक है ना, जब भी कोई एंटीजन, ठीक है, एक मिनट, जब भी कोई एंटीजन सबकुटेनियसली यानी बीनीथ द स्किन, यहां से ये वाला रूट जब भी लेता है ना सबकुटेनियस, तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, कहां से जब एंटर करता है, जब सबकुटेनियस से, ठीक है ना, सबकुटेनियस रूट वो लेते हैं, यानी बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे से जब भी एंटर करते हैं, ठीक है, सो क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्किन के नीचे से जब ये एंटर करते हैं, तो हमारे टिश्यूज में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे टिश्यूज में जब भी सबकुटेनियसली एंटर करते हैं, तो हमारे टिश्यूज में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे टिश्यूज में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो क्या होता है, वो इनकी अपटेक करता है, क्योंकि ये जो एंटीजन सबकुटेनियसली जो एंटीजन एंटर किया होगा उसकी क्या करेंगे, अपटेक करेंगे, ठीक है ना, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको प्रेजेंट करेंगे किसको, इफेक्टर सेल्स को, ठीक है ना, इफेक्टर सेल्स ऑफ, इफेक्टर सेल्स को ये क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लाइक जैसे इफेक्टर सेल कौन है, या टी सेल के जो इफेक्टर सेल्स है, ठीक है ना, उनको प्रेजेंट करेगी, ठीक है, जब उनको प्रेजेंट करेंगी तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग जो है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, और स्ट्रॉन्ग इम्यून जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, इसीलिए जो रूट है उस पर भी डिपेंड करता है, और सबसे ज्यादा जो इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होती है जब भी कोई एंटीजन सबकुटेनियसली बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ऑरली भी तो कोई एंटीजन जो है वो एंटर कर सकता है, ठीक है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट से कोई भी एंटीजन जब एंटर करेगा, ठीक है, अब जो जो रूट का मैंने अभी लिखवाया वहां से तो एंटर करेगा, अब एक और रूट भी है जैसे ऑरली अगर एंटर होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, ऑरली जब कोई एंटर करता है, ऑरली जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट से जब भी एंटीजन इंटेस्टाइनल रूट से एंटर करेंगे, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है कहां पे, इंटेस्टाइनल लैमिना प्रोपिया में, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल लैमिना प्रोपिया में क्या होता है, लैमिना प्रोपिया में एंटीबॉडी जो है या इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कहां पे प्रोड्यूस होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जब भी कोई एंटीजन सबकुटेनियस यानी सबकुटेनियस रूट से एंटर करेंगे, ठीक है, यानी बीनीथ द स्किन से एंटर करेंगे, तो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीजन फॉर इम्यूनोजेनेसिटी, की एंटीजन ने बेसिक प्रॉपर्टीज जो प्रेजेंट होनी चाहिए वो ये चीजें हैं, ठीक है,
ये मैंने आप पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया हुआ है, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं, और आज मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है, ठीक है ना। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।